नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं मेगान का, जो हमें मिलने आने वाली है थिएटर्स में 2023 में जनवरी में 13 तारीख को। इस ट्रेलर के अंदर मेगान इस टाइटल के अलावा किसी वर्ड को हाईलाइट किया जा रहा है, तो वो है फियर, डर। एक्चुअल में एक लड़की अपनी नीस के लिए एक रोबोट को तैयार करती है और वो उसको दोस्त बना देती है, क्योंकि वो नीस जो है वो अपने मम्मी पापा को खो चुकी है, तो उसे किसी दोस्त की साथी की जरूरत होती है, तो वो रोबोट मेगान उसे गिफ्ट कर देती है और हमेशा उसके इमोशंस का ध्यान रखने के लिए कहती है। लेकिन अचानक से उस रोबोट के अंदर अपने इमोशंस आ जाते हैं और वो जो मालिक के ऑर्डर फॉलो करना ही बंद कर देती है, वो टर्न ऑफ होती ही नहीं है। और कभी कभी जब उस लड़की पर बात आती है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वो खून खराबा भी करने लग जाती है और फिर ये जो रोबोट है एक खूनी रोबोट हो जाती है और फिर उस लड़के के कंट्रोल से भी चली जाती है। अब वो किसे किसे मारेगी, किस तरीके से इस रोबोट से फाइट किया जाएगा, ये रोबोट है या इसके अंदर कोई आत्मा घुस चुकी है, इस सब के लिए हमें मूवी देखनी पड़ेगी। और आई एम श्योर मैं मूवी देख के आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगी, ताकि आप इसे देखने थिएटर जाए या ना जाए इसका डिसीजन ले सके। लेकिन ट्रेलर देख के तो मुझे इसका एडवांस बुकिंग वाला फीलिंग आ ही गया था, इतनी बेहतरीन इसे बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि इसमें फियर को हाईलाइट किया जा रहा है, वो इसमें नजर आता है। इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन एंड सीन्स भी ट्रेलर में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल मूवी कैसा होगा ये तो हम लोग मूवी देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके मन की बात है, आपने इस ट्रेलर को देखा या नहीं, आप हॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखना पसंद करते या नहीं, आप सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।